सरसों की खेती मुख्य रूप से भारत के सभी क्षेत्रों पर की जाती है। सरसों की खेती हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की एक प्रमुख फसल है। यह प्रमुख तिलहन फसल है। सरसों की खेती की खास बात यह है कि यह सिंचित और बरानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जा सकती है। इसका उत्पादन भारत में आदिकाल से किया जा रहा है। इसकी खेती भारत में लगभग 67 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जिससे लगभग 75 से 80 लाख टन उत्पादन मिलता है। सरसों की यदि वैज्ञानिक तकनीक से खेती की जाए तो उत्पादक इसकी फसल से अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सरसों की किस प्रकार से उन्नत तरीके से खेती की जाए इसकी जानकारी आपको देंगे। तो आइए अब बात करते हैं उपयुक्त जलवायु की। भारत में सरसों की खेती शीत ऋतु में की जाती है। इस फसल को 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सरसों की फसल के लिए फूल आते समय वर्षा, अधिक आर्द्रता एवं वायुमंडल में बादल छाए रहना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर इस प्रकार का मौसम होता है तो फसल पर माहू या चेपा के आने की अधिक संभावनाएं हो जाती है। तो अब देखते हैं कि सरसों की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त मानी जाती है। सरसों की खेती रेतीली से लेकर भारी मटियार भूमि में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट भूमि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह फसल हल्की क्षारीयता को सहन कर सकती है, लेकिन भूमि अम्लीय नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। इसकी जुताई करने के पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए। सरसों की मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी अंकुरण और बढ़वार उतनी ही अच्छी होगी। किसान भाइयों, आइए देखते हैं कि सरसों की कौन कौन सी उन्नत किस्में बाजार में मौजूद है। सरसों की खेती हेतु किस्मों का चयन किसानों को अपने क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। कुछ तो किसान भाई और सबसे पहले उपज वाली क्षेत्रों के लिए बात करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से नरेंद्र अगेती राई 4, वरुड़ा T59, बसंती पीली, रोहिणी, उर्वशी, नरेंद्र राई ND R 8501, सौरभ वसुंधरा RH 9304 और अरावली RN 393 प्रमुख हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें असिंचित क्षेत्रों की, तो असिंचित क्षेत्रों के लिए जो किस्में मौजूद हैं उसमें प्रमुख रूप से वैभव, वरुड़ा T59, पूसा बोल्ड और RH 30 प्रमुख हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा 2 और किस्में विकसित की गई हैं जो कि क्षारीय भूमि हेतु हैं। इसमें पहला है नरेंद्र राई CS 52 और दूसरा है नरेंद्र राई CS 54। किसान भाइयों, अगर बात करें बुआई की समय के बारे में, तो सरसों की खेती से अच्छी पैदावार के लिए बारानी क्षेत्रों में सरसों की बुआई 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तथा सिंचित क्षेत्रों में 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच करनी चाहिए, जबकि पीली सरसों के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, अब देखते हैं कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए और असिंचित क्षेत्रों के लिए इसकी मात्रा 10 से 15 प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए, जबकि पीली सरसों के 4 किलोग्राम बीज का उपयोग प्रति हेक्टेयर करना उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज उपचार की विधि के बारे में। जड़ सड़न रोग से बचाव के लिए बीज को बुआई के पूर्व
फफूदनाशक कैप्टान या थीरम में से कोई एक 3 से 5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। और कीटों से बचाव हेतु इमीडा क्लोप्रीड 70 WP 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। किसान भाइयों, सरसों की खेती में सबसे प्रमुख है इसकी बिजाई की विधि। तो ज़्यादातर किसान आमतौर पर छिटकवा विधि का प्रयोग करते हैं, फिर भी सरसों की खेती के लिए बुआई कतारों में करना अच्छा रहता है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 25 से 35 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए। वहीं असिंचित क्षेत्रों में बीज की गहराई नमी के अनुसार रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब देखते हैं कि खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। साथ में आखिरी जुताई के समय 15 से 20 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट का प्रयोग लाभकारी। किसान भाइयों, अगर बात करें असिंचित क्षेत्रों की, तो असिंचित क्षेत्रों के लिए नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटास 30 किलोग्राम की मात्रा उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ ही बुआई के समय 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना फसल के लिए लाभदायक होता है तथा अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 8 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग बुआई से पहले करना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देनी चाहिए और नाइट्रोजन की शेष मात्रा पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग में किसान देनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो सरसों की खेती के लिए 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त होती है। पहली सिंचाई शाखाएं बनते समय बुआई के 25 से 30 दिन बाद, दूसरी फूल प्रारंभ होने के समय 45 से 50 दिन बाद तथा अंतिम सिंचाई फली बनते समय 70 से 80 दिन बाद की जाती है। यदि पानी उपलब्ध हो तो एक सिंचाई और दाना पकते समय बुआई के 100 से 110 दिन बाद करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो सरसों के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई बुआई के 3रे सप्ताह के बाद से नियमित अंतराल पर 2 से 3 निराई करनी आवश्यक होती है। रासायनिक नियंत्रण के लिए अंकुरण पूर्व बुआई के तुरंत बाद खरपतवार नाशी पेंडामेथालिन 30 cc रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, आइए देखते हैं कि सरसों की खेती में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार के कीट लगते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से जो पहला कीट है हमारा, वो है आरा मक्खी। इस कीट की सुंडियां काले स्लेटी रंग की होती है, जो सरसों की खेती में पत्तियों को किनारे से अथवा पत्तियों में छेद कर तेजी से खाती है। तीव्र प्रकोप की दशा में पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है और उत्पादन प्रभावित होता है। इसमें लगने वाले दूसरे कीट है बालदार सुंडी। सुंडी काले एवं नारंगी रंग की होती है और पूरा शरीर बालों से ढका रहता है। सुंडियां प्रारंभ में झुंड में रहकर पत्तियों को खा जाती है तथा बाद में पूरे खेत में फैलकर पत्तियां खाती है। तीव्र प्रकोप की दशा में पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। किसान भाइयों, आरा मक्खी और बालदार सुंडी का प्रकोप यदि आर्थिक स्तर से अधिक हो तो नियंत्रण के लिए मैलाथियन 5% WP की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर बुरकाव या मैलाथियन 50% EC की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 600 से 750 लीटर पानी में
घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम जो बात करने वाले हैं कीट की, वो बहुत ही प्रमुख कीट है सरसों की खेती में, जिसे हम माहू के नाम से जानते हैं। इस कीट की शिशु तथा प्रौढ़ पीलापन लिए हुए हरे रंग के होते हैं, जो पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों एवं नए फलियों के रस चूसकर कमजोर कर देते हैं, जिस पर काली फफूंद उगाती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है। किसान भाइयों, माहू कीट का आर्थिक स्तर से अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी की 1 लीटर या मोनोक्रोटोफास 36% एसएल की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान रहे रसायन से मधुमक्खी को नुकसान न हो, इसलिए हमेशा दिन में 2 बजे के बाद ही दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। मधुमक्खियां रोज दिन में 10 बजे से 2 बजे के बीच में माहू के प्रौढ़ को खाती हैं, इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सरसों की खेती में लगने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। तो सरसों की खेती में लगने वाले प्रमुख रोग हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से पत्ती धब्बा रोग। इस रोग से सरसों की खेती में पत्तियों और फलियों पर गहरे कथई रंग के धब्बे बनते हैं, जो गोल छल्ले के रूप में पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीव्र प्रकोप की दशा में धब्बे आपस में मिल जाते हैं, जिससे कि पूरी पत्ती झुलस जाती है। दूसरा रोग है सफ़ेद गिरोई रोग। इस रोग में पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद फफोले बनते हैं, जिससे पत्तियों पीली होकर सूखने लगती हैं। फूल आने की अवस्था में पुष्पक्रम विकृत हो जाते हैं, जिससे कोई भी फली नहीं बनती है। किसान भाइयों, इन दोनों रोगों के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 75 WP की 2 किलोग्राम या कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 600 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं कटाई की। फसल अधिक पकने पर फलियों के चटकने की आशंका बढ़ जाती है, अतः पौधों के पीले पड़ने एवं फलियां भूरी होने पर फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर बात करें पैदावार की, तो सरसों की उन्नत तकनीक द्वारा खेती करने पर असिंचित क्षेत्रों में 20 से 25 क्विंटल तथा सिंचित क्षेत्रों में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सरसों की उपज की प्राप्ति होती है।